हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हनी सावला। 17 मई 2020 वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे था। आज मैं आपको हाइपरटेंशन रिलेटेड कुछ जानकारी देने आई हूँ। हाइपरटेंशन को एक साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से पूरी दुनिया में हर साल 9.4 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि कहा जाता है कि पूरी दुनिया में जितने लोगों को एक्चुअली हाई ब्लड प्रेशर है, उसमें से सिर्फ 50% लोगों को उसके सिम्टम्स आते हैं। उनमें से भी सिर्फ 50% लोगों को ट्रीटमेंट मिल पाती है, और उनमें से भी सिर्फ 50% लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर कंट्रोल में कंप्लीटली लाया गया है। तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर और उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के कारण बहुत लोगों को डेथ होने की शक्यता है। तो आओ जानते हैं क्या है ये ब्लड प्रेशर बढ़ने के सिम्टम्स। तो सबसे पहला सिम्टम है हेडेक, स्पेशली सिर के पीछे के हिस्से में ज्यादा हेडेक होता है बीपी बढ़ने से। दूसरी चीज है चक्कर आना। तीसरी चीज है बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, आंखों से देखने में प्रॉब्लम होना, या फिर छाती में तेज दर्द होना। ये सब है ब्लड प्रेशर बढ़ने के सिम्टम्स। अभी इस COVID-19 की पैंडेमिक के दरमियान और लॉकडाउन के जारी होते हुए बहुत जरूरी है कि हम सब घर पे एक इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करने का ऑटोमेटिक मशीन जो है उसे रखें, जिससे हम नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सके। और अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो आप जरूर अपने डॉक्टर की सलाह लें। अभी इम्पॉर्टेंट है कि हम जाने कि इस लॉकडाउन के जारी होते हुए हमें क्या क्या करना है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। सबसे पहले, अगर आप ऑलरेडी बीपी के पेशेंट हैं, तो अपनी दवाइयों को रेगुलरली लें, किसी भी अफवाह को सुनकर उसे चेंज ना करें। ध्यान रखें कि कम से कम 2 हफ्ते की दवाई का स्टॉक आपके पास रेडी हो। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप चेक करते वक्त ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर से ये प्रॉब्लम जरूर डिस्कस करें। अगर आप घर पे बैठे हैं, तो आप अपने डाइट में भी ध्यान रखें कि आप कोई भी तरह का जंक फूड, पापड़ या अचार जिसके अंदर नमक बहुत ज्यादा होता है, उसको ना खाए, उसका सेवन ना करें। डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज करना जरूरी है। घर बैठे आप एरोबिक्स और योगा जरूर कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बहुत जरूरी है। अपने वेट को कंट्रोल में रखें। आपके खाने में एक डैश डाइट को इंक्लूड करें। डैश यानी कि डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें कहा जाता है कि आपके खाने का मेजर हिस्सा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का होना चाहिए। आपको नमक कम से कम लेना है, और जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन आप करते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि फैट्स बहुत ही कम मात्रा में हो। आपको अपनी लाइफस्टाइल को कंप्लीटली अच्छा रखना है, सेडेंट्री नहीं रखना। ज्यादा से ज्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इस दरमियान जरूरी नहीं है कि आप एक ही जगह पे बैठ के काम करें। आप अपनी जगह को बदले, बीच में थोड़ी सी वॉकिंग करें, वाटर कंटिन्यूसली पिए और अपने को हाइड्रेटेड रखें, और अपना काम करते करते ज्यादा जंक फूड या सॉल्टी फूड्स का कंजप्शन ना करें। स्मोकिंग बिल्कुल भी ना करें। अल्कोहल का कंजप्शन जितना हो सके मिनिमम रखें। अगर आप इन छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, तो घर बैठे भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। COVID-19 की पैंडेमिक में ऐसा देखा गया है कि जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उनको सीवियर डिजीज होने की शक्यता ज्यादा है। बट एज अ डॉक्टर, जब मैं पेशेंट्स को ट्रीट कर रही हूँ COVID-19 के, मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को डिस्चार्ज किया है जिनको ब्लड प्रेशर था, और जो बहुत जल्दी रिकवर हो चुके और एकदम हेल एंड हार्टी घर पे गए। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, तो आप डेफिनेटली विन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में रखें। कोई भी तरह का स्ट्रेस ना ले। जो भी न्यूज देख करके या व्हाट्सएप मैसेजेस या रूमर्स पढ़ के आपको टेंशन आता है, आपकी नींद खराब हो जाती है, उनको अवॉइड करें। बहुत ही रेगुलर आवर्स ऑफ स्लीपिंग रखें, रेगुलर ईटिंग हैबिट्स रखें, तो आपको कोई भी तरह की परेशानी ना होगी। मैं चाहती हूँ कि आप हेल्दी खाना खाएं, कम से कम सॉल्ट का सेवन करें, अपने वेट को कंट्रोल में रखें, एंड COVID-19 को तो हरा ही दे, साथ साथ में ब्लड प्रेशर को बीमारी को भी। ईट हेल्दी, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। डू हिट द लाइक बटन, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।
My Instagram handle is @DrHaneesAvla and my Facebook page is Dr. Hani's Telemedicine Clinic. Do follow and share. Take care.